अगर आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है, खट्टी डकारों की समस्या है, छाती में जलन होती है, हमेशा आपको गैस बनता रहता है, तो ऐसे में आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे आसान से योगासन जिसे घर की थोड़ी सी स्पेस में आप रोजाना फॉलो करके इन सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी नोटिस करने वाली बात यह है कि हमें एसिडिटी, ये सारा अपचन, जितनी भी पेट से जुड़ी समस्याएं हैं, वो क्यों होती हैं? वो इसलिए होती हैं क्योंकि हमारी बॉडी में से ठीक से मल त्याग नहीं हो पाता, मतलब हम फ्रेश नहीं हो पाते, प्रॉपर कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। तो जिस भी इंसान को कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी, आप देखेंगे वो हर थोड़ी देर बाद खाना खाने के बाद या तो मोशन जाएगा या उसको फील होता है मोशन जैसा, लेकिन वो प्रॉपर फ्रेश नहीं हो पाता। ये सारे इश्यूज जब क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो एक टाइम आपकी बॉडी में ये भी आता है कि आपकी बॉडी में जो खाना है वो अंदर अंदर सड़ने लगता है, क्योंकि वो बॉडी से रिलीज नहीं हो रहा। और जब सड़ेगा तो वो आपको पेट से जुड़ी समस्या जैसे कि बहुत ज़्यादा गैस बनना, अपचन होना, खट्टी डकारें, छाती में जलन, हमेशा भारीपन फील होना, ये सारे इश्यूज डे बाय डे बढ़ते ही जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी है आपके पेट को साफ करना। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी कि आपका अगर पेट साफ नहीं होता तो एक ऐसा योगासन जो आपके इंस्टेंट 5 से 7 मिनट में, अगर आप उसको सुबह करेंगे रोज़ाना, तो आपका पेट साफ अच्छे से हो जाएगा। अब जब हम पेट साफ अच्छे से कर लेंगे, फ्रेश अप हो जाएंगे, उसके बाद जो हमारे अभी बॉडी में इश्यूज चल रहे हैं उसको दूर करने के लिए भी मैं आपके साथ कुछ आसान से योगासन शेयर करूंगी। तो इस कंप्लीट वीडियो को आपने एंड तक अच्छे से सुनना है और एग्जैक्टली फॉलो करना है, क्योंकि बहुत जल्दबाजी करेंगे तो जो भी डूज एंड डोंट्स बता रही हूँ वो आप सुन नहीं पाएंगे और आपको प्रॉपर उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा वीडियो। तो सबसे पहले हमें सुबह उठते ही क्या करना है, खाली पेट 1 ग्लास गुनगुना पानी लेना है। अगर उसे ज़्यादा ले सकते हैं तो अच्छी बात है, वैसे 1 लीटर पानी आपको इनटेक करना चाहिए एम्प्टी स्टमक। लेकिन ऐसे ही बैठ के, बेड पे खड़े होकर किसी भी पोजिशन में नहीं पीना। करेक्ट पॉस्चर क्या है जो आपको फॉलो करना है वो देख लीजिए। आपने सपोज पानी हाथ में ले लिया, देन उसके बाद में इस तरीके से आपको बैठ जाना है लाइक दिस, ठीक है। और आपने दोनों हाथों से, अपने कोहनियों से अपने टांगों को पूरा स्ट्रेच करना है, और इसी पोजीशन में आपने जितना भी पानी है, चाहे वो 1 लीटर है या फिर 1 ग्लास है, जितना भी आप इनटेक करते हैं मैक्सिमम आपने करना है रोज। और उस पानी को, गर्म गर्म पानी को आपने, बिल्कुल चाय की तरह हो तो बहुत अच्छी बात है, सिप सिप करके पीना है, नहीं तो अच्छा खासा गर्म तो होना ही चाहिए, ठीक है। इस तरीके से जैसे आप घोट घोट करके पानी पियेंगे, और जब आपका पानी वो ख़त्म होगा तो आप देखेंगे कि 5 से 10 मिनट में आप बहुत अच्छे से फ्रेश हो पा रहे हैं। स्टेप नंबर 2 दे देती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके साथ आज ही अभी आप फ्रेश होने सपोज जाए, जब भी वीडियो देखें तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिखेगा। जब हमारे घर में इंग्लिश कमबोर्ड्स बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गए हैं, तो ऐसे में हमारे पैरों का जो पेल्विक एरिया है उस पर प्रॉपर प्रेशर नहीं पड़ पाता जब हम फ्रेश होने जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इंग्लिश कमबोर्ड पे बैठना है और अपने पैरों के नीचे चौकी होती है, ठीक है, उसको आपने प्लेस कर लेना है, उसके ऊपर आपने पैर रख लेने हैं। उसके बाद आपने फ्रेश होना है। जो फ्रेश होने का जो टाइमिंग था आपका 10 से 15 मिनट का था, आप खुद देखेंगे कि 5 मिनट में, मैक्सिमम 4 मिनट में आप प्रॉपरली फ्रेश हो जाएंगे। ये दोनों चीज़ें करके देखिएगा, अल्टीमेट रिजल्ट आपको इंस्टेंट दिखाई देगा, ज़्यादा भी नहीं कि आज किया तो कल, इंस्टेंट दिखाई देगा, ठीक है। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने योगासन की तरफ, जो आपके पेट से जुड़ी सारी समस्याओं को, जो जो आपको मैंने बताया उनको क्या क्या कैसे दूर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको लेट जाना है, पीठ के बल लेट गए आप। उसके बाद में आपने अपने दोनों हाथों से अपने दोनों घुटने को इस तरीके से होल्ड करना है और छाती के पास लगाना है और पोजिशन को होल्ड करना है फॉर 10 सेकेंड्स, देन रिलैक्स कर देना है। दोबारा से हम इसे परफॉर्म करेंगे और इस बार हम अपनी नोज को भी अपने घुटने से टच करने का ट्राई करेंगे लाइक दिस। रिलैक्स हो जाएंगे। अब इसी के साथ बढ़ते हैं अगले योगासन की तरफ। अगले योगासन में हमने पीठ के बल मैट पे लेट जाना है और उसके बाद में हमने अपनी 1 लेग को बिल्कुल स्ट्रेट करना है, अदर लेग को हमने फोल्ड करना है और अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करके यहाँ पे नी के पास प्लेस करना है और अपनी चेस्ट के पास उसको लाने का ट्राई करना है जितना मैक्सिमम हम ला सकते हैं। पोजिशन को होल्ड करना है फॉर 10 सेकेंड्स, देन रिलैक्स अगेन, अदर लेग को होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स, रिलैक्स।
10 टाइम्स हम इसे रिपीट करेंगे। रिलैक्स हो जाइए। तो यहाँ पे आपका ये वाला योगासन कंप्लीट होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले योगासन की तरफ। अगले योगासन के लिए पीठ के बल ले जाइए और अपने पैरों को इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद में आपने अपने जो पैर का एक थंब है उसको अपने पूरे फेस के पास लाने का ट्राई करना है, जितना मैक्सिमम आप ला सकते हैं। पोजीशन को होल्ड करना है, नेक को हम अपलिफ्ट करेंगे और लाइक दिस हमें इस तरीके से होल्ड करना है फॉर 10 सेकेंड्स, देन रिलैक्स। आप अदर लेग को स्ट्रेट भी कर सकते हैं, फोल्ड भी कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट है। रिलैक्स हो जाए। अगेन हम इसे करेंगे 10 टाइम राइट साइड, 10 टाइम लेफ्ट साइड। रिलैक्स। तो यहाँ पे आपका ये योगासन भी कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले योगासन की तरफ, जो है वज्रासन। इसके लिए आपको अपने पैरों को इस तरीके से पीछे फोल्ड करना है, हील्स के बीच में पैरों के बीच में गैप मेंटेन करना है। आपके पैर का थंब एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रहेगा और आपका हिप यहाँ पर प्लेस हो गया। अब आपने ऐसा बिल्कुल कमर को सीधा करना है, अपने हाथों को अपने घुटने पर इस तरीके से प्लेस कर लेना है। इसके बाद आप टीवी देख सकते हैं, चट चाट कर सकते हैं, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा आपको एवरी मील के बाद करना है, यानी ब्रेकफास्ट किया तो इमिजिएटली बाद आपको वज्रासन में बैठना है, लंच के बाद और डिनर के बाद। अगर तीनों मील्स के बाद आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको धीरे धीरे 15 डेज में आप नोटिस करेंगे कि आपको जितनी भी पेट से जुड़ी समस्याएं हैं वो बिल्कुल दूर हो गई हैं। प्लस में ये आपके वजन को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि जो खाना आपको पच जाएगा सड़ेगा नहीं, तो वो सिर्फ आपको न्यूट्रिशन देगा, फैट देगा ही नहीं, है ना। अपने बच्चे को भी हैबिट डालें, स्टार्टिंग में आपकी टांगें सुन हो जाएंगी क्योंकि ब्लड का फ्लो बिल्कुल ऊपर की तरफ हो जाता है, नीचे से हमारा बॉडी जाम हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी देर में आपकी लेग्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगी। तो इसको हमने स्टार्टिंग करनी है 1 मिनट से और मैक्सिमम लेकर जाना है 1 आवर तक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइज। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा और आशा करती हूँ कि बहुत सारे लोगों की मैंने प्रॉब्लम दूर करी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पेट से जुड़ी समस्या हर दूसरे इंसान को है, तो आपका एक शेयरिंग दूसरे की ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकता है। चलिए मिलते हैं कल हंसी खुशी के साथ, कुछ ऐसी ही नई चीज़ों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।